किसके विषय में बताओ? कोरोना का नाम सुनी है ना, क्या है, कौन सी बीमारी है, क्या होता है इसमें? इससे बुखार लगता है, खांसी होता है, सर्दी होता है, जिससे पता चलता है कि कोरोना हो गया है। ये एक खतरनाक बीमारी है। तुम लोग को क्या सिखाया गया है स्कूल में? क्या सिखाया क्या जाता है? मास्क लगाना सिखाया जाता है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर और स्कूलों का पालन होना, जैसे शिक्षक कहे जाते कहते हैं इसका पालन करना। क्या नाम है तुम्हारा? मैं क्या, कैसे जागरूक करते हैं बच्चे को? बच्चों को हम लोग ऐसे ही जागरूक करते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी अभी फैली हुई है, तो इसका सबसे सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाइए, भीड़ भाड़ से बच के रहिए, स्वच्छ रखिए अपने आसपास के वातावरण को, अपने आप को स्वच्छ रखिए। यही हम लोग जागरूक करते हैं कोरोना महामारी से लेकर के बच्चों को। हालांकि वैक्सीन निकली है, लेकिन वैक्सीन भी 100% क्या करती है, सिक्योर नहीं कर रही है। वैक्सीन अगर आपको वैक्सीन का अगर आप टीका लगा लेते हैं तभी भी आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। मास्क फिर भी आपको लगाना चाहिए, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए और फिर भी डिस्टेंस में हमेशा रहनी चाहिए। इसका पालन बहुत जरूरी है। ये पालन हम करेंगे तभी भी क्या कर सकते हैं, कोरोना को हम हरा सकते हैं। ठीक है, क्या गाइडलाइन मिला है आप लोगों को? सर, कोरोना के लिए गाइडलाइन हमारे सरकार के ही द्वारा नहीं, इंटरनेशनल पूरी संस्थाएं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक महामारी है। इससे बचने के लिए समाज के या अपने देश के या जो भी मानव जाति है उसकी बचाव के लिए सबसे पहले भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना है। जो लोअर डिस्टेंस का पालन करना है वो कम से कम जो 6 फीट है उसकी दूरी 6 गज है उसकी पालन करना चाहिए। बच्चों को खास करके बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। इस पीरियड में जो अब हमारे यहाँ तो वैक्सीन भी है, सरकार इस पर लगातार अपना अभियान के तौर से चला रहे हैं, और फ्रंट पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे देश के, हमारे सरकार के लिए, हमारे जो जनता के लिए काम करते हैं, उन लोगों को टीकाकरण का एक दौर समाप्त हो गया है। दूसरी दौर में आम जनताओं का भी अब तो सरकार ने इतना सहूलियत हम लोगों को दिया है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोरोना का टीके हम लोग लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये हमारे साथ बिल्कुल ही अच्छाई है, हमारी सरकार हम लोगों के साथ, अपने जनता के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के सहयोग कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। Carry my heart.